हेलो दोस्तों, नमस्कार। फर्स्ट रेस 1200 मीटर्स 2 ईयर्स ओल्ड ओनली की है दोस्तों। तो ये सिर्फ ट्रैक बेस पे ही मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे जो ट्रैक समझ में आए ये बच्चों की रेस में, वो है हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 5। तो मैं और एक बार रिकमेंड करूँगा दोस्तों, आप ज़रूर घोड़े का वेट माने पूरा टोटल वेट देखिए, जैसा कि 435-430 होता है ना घोड़े का टोटल वेट, वो देख कर ही खेलिए। 300 के ऊपर रेस हो घोड़े का मत खेलिए अगर है तो। ओके, तो पहली रेस में मुझे ट्रैक बेस पसंद आ रहे हैं 3 एंड 5। और सेकेंड रेस 1800 मीटर्स क्लास 4 की है, और इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं टॉप 2 हॉर्सेस, वो है हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 3। यार हॉर्स नंबर 3 देखो, लास्ट टाइम इंटरफेरेंस हुआ है डर्बी में, डर्बी से सीधा क्लास 4 में एंट्री कैसा मिली यार इसको। ओके यार, क्लास 4 में मिली है तो यार घोड़ा तो मजबूत होता है, क्योंकि क्लास 4 में डालना नहीं चाहिए, लेकिन डाला है ट्रेनर ने, देखते हैं कि क्या करता है। तो आप जो है 3 को देखिए, लास्ट टाइम इंटरफेरेंस हुआ है। ओके, एंड हॉर्स नंबर 2 डिमोटिय एंड स्टम्बुल हुआ है, तो आप दूसरी रेस में 2 एंड 3 पे नज़र रख सकते हैं। और तीसरी रेस 1200 मीटर्स क्लास 4 5 ईयर्स ओल्ड एंड अप डिवीज़न 2 की है, और इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं घोड़े, वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 2। यार हॉर्स नंबर 2 जो है डिमोटी है इस क्लास का, 200 मीटर कम हो रहा है, 3 रेटिंग जो है कम किया है हैंडीकैपर ने, तो आप 2 पे नज़र रख सकते हैं। मुझे लगता है ये यार अच्छा अपसेट में अगर चलाना चाहे तो अच्छा चांस है इसको। एंड हॉर्स नंबर 1 130 में विड्रा हुआ है लास्ट से, तो 64 बंच के हिसाब से ही ये विनर है, तो 200 मीटर कम हो रहा है, क्लास सेम मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए मैं थर्ड रेस में 1 एंड 2 को दे रहा हूँ। यार फोर्थ रेस 1200 मीटर्स क्लास 1 की है, और इसमें सिर्फ 5 घोड़े हैं यार, तो आपको जो है 1 विन एंड दूसरा बड़ा प्लेस ही मिलेगा, 3 घोड़े तो मिलेंगे नहीं। तो इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं टॉप 2 और से 4th रेस में 1200 मीटर्स के लिए, वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 5। यार हॉर्स नंबर 5 जो है प्रमोशन घोड़ा है, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यार डिस्टेंस को जो है ये सूटेबल घोड़ा है, तो हॉर्स नंबर 5 इसलिए दे रहा हूँ। एंड हॉर्स नंबर 1 जो है 111 बंच, जैसा मैसूर का जो 111 जो है 111 का बंच है, तो वो बंच के हिसाब से मैं ये घोड़े को फिक्र कर रहा हूँ। तो आप 4th रेस में 195 पे नज़र रख सकते हैं। एंड फिफ्थ रेस यार आज की बड़ी रेस 1600 मीटर्स ग्रेट 2 3 ईयर्स ओल्ड फिल्ली से यार पूरे। ओके, और इसमें मुझे इस कार्ड के लिए जो समझ में आ रहे हैं वो है हॉर्स नंबर 2 अपसेट में दे रहा हूँ, क्योंकि यार लास्ट टाइम घोड़े को लेप हुआ था। ओके, तो उसके ऊपर तो 42 बंच में जो है सूरज ही बैठा है, तो यार ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग है घोड़ा, तो आप इस पे 2 पे नज़र रख सकते हैं। एंड दूसरा घोड़ा हॉर्स नंबर 7 मुझे समझ में आ रहा है, तो 5th रेस में 27 दे रहा हूँ। मुझे हॉर्स नंबर 3 जो है ऐसा लगता है यार ये ईटिंग होगा घोड़ा, ईटिंग माने जिसको ईटिंग की भाषा समझ में नहीं आती है, तो वो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि ये खाएंगे घोड़ा, ये विन नहीं मारेगा। मुझे यहाँ तक तो प्लेस भी आता नहीं आता, डाउट है, तो प्लीज़ यार आप इस घोड़े पे हाथ मत लगाना। अगर आपको समझ में आता है स्ट्रॉन्ग ही तो आप हाथ लगाना, वरना इस घोड़े को आप जो है इग्नोर करना। तो 5th रेस में मुझे जो समझ में आ रहे हैं 2 एंड 7। और सिक्स रेस यार 1200 मीटर्स क्लास 4 5 ईयर्स ओल्ड एंड अप डिवीजन 1 की है, और इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं टॉप 2 हॉर्सेस, वो है हॉर्स नंबर 2 जो अपसेट में दे रहा हूँ। यार मैं फिर वो बोलता हूँ ना जो कार्ड में नहीं है, जो कार्ड में पढ़ रहा हूँ, तो 2 आप रेस में ज़रूर ध्यान रखना, देखना घोड़े का फिटनेस देखे बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप खेल सकते हैं सुपर किंग को। एंड नाम तो ज़बरदस्त लगा है, देखते हैं कि अपसेट में जाता है या नहीं। एंड दूसरा घोड़ा हॉर्स नंबर 7 यार सीधा यार बॉटम वेट में आ रहा है, एंड बड़े जागी को सीना को बिठाया है, तो घोड़ा यार फ्रेड भाग रहा है, तो 200 मीटर कम हो रहा है, तो मुझे लगता है ऑनबोर्ड या विन कॉम्पिटिशन में तो होना चाहिए, तो इसलिए मैं 6th रेस में 2 एंड 7 को दे रहा हूँ। यार 7th रेस आज की लास्ट रेस
ट्रूवेयर 100 meters क्लास 5 ईयर बॉटम क्लास है, ओके 5 ईयर्स ओल्ड एंड अब की है। और इसमें मुझे जो समझ में आ रहे हैं घोड़े वो है हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 6। यार हॉर्स नंबर 6 फिर रिपीट करता हूँ, ये अपसेट हो सकता है, मैं ये नहीं करता हूँ कि 100% होगा, लेकिन अपसेट हो सकता है। तो 6 नंबर पे आप नज़र रखना, रेस टू रेस घोड़े को चेक कर लेना एक बार, ओके। एंड हॉर्स नंबर 1 तो मुझे लगता है फेवरेट ही होगा। तो 7th रेस में मुझे जो समझ में आ रहे हैं 1 एंड 6। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।